हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, माफी चाहूंगा, कुछ दिनों की गैप हो गई और मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं दे पाया, लेकिन आज फिर से मैं वीडियो बना रहा हूं और आज हम बात करेंगे केतु इन सेकंड हाउस। दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग केतु से डरते हैं। सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो केतु होते हैं वो मोक्ष कारक भी होते हैं, व्यक्ति को महावैरागी भी बना सकते हैं, व्यक्ति को परमात्मा में इतना लीन कर सकते हैं कि वो परम वैरागी बन सकता है, मतलब इतना अच्छा व्यक्ति बन सकता है जिसे दुनिया से कोई मतलब ना हो। हाँ, व्यक्ति को महापापी भी बना सकते हैं। केतु के जो रिजल्ट होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन होता है, इसीलिए जो ज्योतिष शास्त्र है, जो एस्ट्रोलॉजी, उसमें केतु के जो रिजल्ट बताए जाते हैं उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर आता है, क्योंकि केतु के एग्जैक्ट क्या रिजल्ट होते हैं ये अभी तक सच कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होता है, कहाँ परम वैरागी, कहाँ दुनिया को छोड़ने वाला व्यक्ति और कहाँ महापापी व्यक्ति, डाकू व्यक्ति, पैसों की लूट करने वाला व्यक्ति, बलात्कारी व्यक्ति, ऐसा केतु इन सब को केतु बनाता है। तो फिर भी दोस्तों, जो केतु के बेसिक बातें हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। एक बात का और विशेष ध्यान रखें दोस्तों, केतु की तीन दृष्टियां होती है, पांचवी, सातवीं और नवीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट वीडियोज देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अगली बात दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर। तो आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि केतु इन सेकंड हाउस, आज हम ये बात करेंगे कि केतु इन सेकंड हाउस विथ ऑल जोडियक साइन, केतु इन सेकंड हाउस विथ ऑल नंबर्स, एक से लेकर 12 नंबर के साथ, या फिर मेष से लेकर मीन राशि के साथ यदि केतु होंगे दूसरे घर में तो क्या फल देंगे। इसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में भी यदि केतु रहेंगे तो क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब केतु दूसरे घर में एक नंबर या मेष राशि के साथ होंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि जो एक नंबर होता है मंगल का घर होता है, मंगल देवता है और केतु जो होता है दानों में आता है, तो यहाँ पर जो केतु है बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे। व्यक्ति यदि केतु की महादशा अंतरदशा में धन अर्जित करना चाहता है तो प्रॉपर अर्जित नहीं कर पाएगा, व्यक्ति के अपने परिवार से नहीं बनेगी, परिवार से कुछ ना कुछ या तो दूरी हो जाएगी या फिर कुछ ना कुछ मन मुटाव चलता रहेगा व्यक्ति का, व्यक्ति की जो वाणी है वो भी उग्र हो जाएगी, वाणी उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाएगी जितनी हर व्यक्ति की होना चाहिए। जब यहाँ से केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय नहीं पा पाएगा, शत्रुओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहेगी, छोटी मोटी बीमारियाँ व्यक्ति को लगी रहेगी, व्यक्ति अकारण क्रोधी होता चला जाएगा केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालेंगे तो व्यक्ति यदि कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो केतु की महादशा या अंतरदशा में वहाँ पर उसे भी उस बीमारी से प्रॉब्लम रहेगी, लंबी बीमारी से डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ, इस तरह की जो लॉन्ग बीमारियाँ होती हैं, लंबी बीमारियाँ होती हैं, उससे भी व्यक्ति परेशान रहेगा केतु की महादशा या अंतरदशा में। व्यक्ति अकारण की चिंताएँ करता रहेगा, चिंतन में व्यक्ति फंसा ही रहेगा केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, व्यक्ति नौकरी यदि करना चाहता है या व्यवसाय करना चाहता है और केतु की महादशा अंतरदशा में व्यवसाय सेटल करता है तो बिल्कुल भी उसे फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह है कि केतु की महादशा अंतरदशा में व्यवसाय को सेटल तो बिल्कुल भी ना करें, यदि नौकरी भी करता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को आती रहती है। तो इस तरह से केतु एक नेगेटिव इफेक्ट देता है जब दूसरे घर में मेष राशि के साथ या एक नंबर के साथ होता है। दोस्तों, बात करते हैं केतु जब दूसरे घर में दो नंबर या वृषभ राशि के साथ हो, चूंकि ये मित्र राशि तो जरूर होती है, शुक्र की राशि है, लेकिन यहाँ पर भी केतु अच्छा फल नहीं देते। व्यक्ति की जो वाणी होती है वो डिप्लोमेटिक हो जाती है और उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाती, व्यक्ति बोलता कुछ है सामने वाला समझता कुछ है, केतु की महादशा या अंतरदशा में वाणी डिप्लोमेटिक हो जाती है, साथ ही साथ कुटुंब, व्यक्ति के अपने परिवार से नहीं बन पाती।
जितना धन अर्जित करना चाहता है उतना प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाता। जब केतु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती रहती है, शत्रु व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं, अकारण क्रोध व्यक्ति को बना रहता है केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो जो लंबी बीमारियां हैं वो भी व्यक्ति को परेशान करती है, साथ ही साथ चिंताएं व्यक्ति को कुछ ना कुछ सताती ही रहती है केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, यदि व्यवसाय सेटल करना चाहता है तो व्यवसाय, मेरी सलाह है व्यवसाय बिल्कुल भी सेटल ना करें केतु की महादशा या अंतरदशा में, इस अंतरदशा को निकल जाने दें या इस महादशा को निकल जाने दें, उसके बाद ही अपना व्यवसाय सेटल करें। दोस्तों जब केतु दूसरे घर में तीन नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर नीच के केतु माने जाते हैं, और चूंकि नीच के यदि केतु है तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा फल देंगे। व्यक्ति की वाणी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, परिवार से या तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी और बनेगी तो बहुत दूरी व्यक्ति की परिवार से हो जाएगी। धन बिल्कुल भी व्यक्ति अर्जित नहीं कर पाएगा केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि छठे घर में डालेंगे तो शत्रुओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को चलती ही रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती रहेगी, कुछ ना कुछ डर व्यक्ति को सताता रहेगा, गुस्सा व्यक्ति को अकारण आता रहेगा। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो बड़ी बीमारी यदि व्यक्ति को है तो वो भी उसे परेशान करती है, व्यक्ति अकारण चिंताओं में फंसा रहता है केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो नौकरी यदि व्यक्ति करता है तो वहाँ पर भी उसे कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी आती है, व्यवसाय यदि करता है तो वहाँ पर भी दिक्कतें परेशानी आती है। और मेरी सलाह यह है कि आप भी व्यवसाय को सेटल करने की कोशिश ना करें केतु की महादशा या अंतरदशा में, व्यवसाय बिल्कुल भी ना करें। यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसाय बिल्कुल भी शुरू ना करें केतु की महादशा अंतरदशा में, क्योंकि आपको दिक्कतें परेशानी बहुत आने वाली है। तो केतु की महादशा अंतरदशा को निकल जाने दें। तो दूसरे घर में चार नंबर दूसरे घर में चार नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर महादशा अंतरदशा फल नहीं देते, अपने परिवार से नहीं बनेगी, नहीं कर पाएगा केतु, बहुत बुरा फल देंगे। अपनी महादशा अंतरदशा में व्यक्ति की वाणी उग्र हो जाएगी या फिर उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाएगी, कुटुंब परिवार से व्यक्ति की नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी केतु की महादशा या अंतरदशा में। व्यक्ति धन जो अर्जित करना चाहता है प्रॉपर अर्जित नहीं कर पाएगा। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से भी दिक्कतें परेशानी आएगी, छोटी मोटी बीमारियां जो व्यक्ति को परेशान करती ही रहेगी, कुछ शत्रुओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को चलती रहेगी केतु की महादशा या अंतरदशा में। व्यक्ति परेशान रहेगा, किसी न किसी चीज़ छोटी मोटी भागदौड़ के कारण व्यक्ति परेशान रहेगा। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो बड़ी बीमारी यदि व्यक्ति को है तो वो भी व्यक्ति को परेशान करेगी, साथ ही साथ व्यक्ति को कुछ ना कुछ चिंताएं जरूर सताती रहेगी केतु की महादशा अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो वहाँ पर भी उसे दिक्कत आएगी, व्यवसाय करता है तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी, और व्यवसाय यदि सेटल करना चाहता है तो मेरी सलाह है कि व्यवसाय को बिल्कुल भी, नया व्यवसाय बिल्कुल भी शुरू ना करें, केतु की महादशा अंतरदशा बहुत खराब है, केतु की महादशा अंतरदशा को निकल जाने दें। दोस्तों जब केतु दूसरे घर में पांच नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बुरा फल देते हैं, वैसे ही जैसा कर्क राशि के साथ देते हैं। व्यक्ति की केतु की महादशा अंतरदशा में अपने परिवार से नहीं बनती, धन प्रॉपर अर्जित नहीं कर पाता व्यक्ति, वाणी व्यक्ति की उग्र हो जाती है, ये उग्र ना भी हो तो वाणी प्रभावशाली व्यक्ति की नहीं रह जाती। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से भी दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को चलती है, छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती है, व्यक्ति को अकारण क्रोध आता रहता है, व्यक्ति को शत्रुओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को चलती है, कुछ ना कुछ डर व्यक्ति को बना रहता है केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो लंबी बीमारी यदि व्यक्ति को है तो उससे भी व्यक्ति परेशान रहता है, चिंताएं व्यक्ति को सताती रहती है केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में भी दिक्कत आती है, व्यवसाय करता है तो वहां पर भी उसे दिक्कत आती है, और व्यवसाय सेटल करना चाहता है तो वहाँ पर भी उसे प्रॉब्लम जरूर आती है, तो व्यवसाय को सेटल ना करें केतु की महादशा अंतरदशा को निकल जाने दें। दोस्तों जब केतु दूसरे घर में छः नंबर या कन्या राशि के साथ होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और यहाँ पर बहुत अच्छा केतु फल देते हैं। केतु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित कर पाता है, परिवार से व्यक्ति की बनती है,
परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है, व्यक्ति की वाणी जो है प्रभावशाली हो जाती है। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, छोटी मोटी बीमारियां भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाती। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति जो लंबी बीमारियां होती है उससे भी निजात पाता है, या फिर पूरी तरह से निजात भी ना पाए तो उतनी परेशान व्यक्ति को नहीं करती। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं, व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति व्यवसाय करता है, तो बहुत अच्छा व्यक्ति की नौकरी और व्यवसाय चलता है। दोस्तों, जब केतु दूसरे घर में सात नंबर तुला राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देंगे। तुला राशि शुक्र की राशि है और यहाँ पर बहुत अच्छा फल केतु देंगे अपनी महादशा या अंतरदशा में। जब केतु की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो व्यक्ति की वाणी बिल्कुल प्रभावशाली हो जाएगी, धन प्रॉपर अर्जित कर पाएगा व्यक्ति केतु की महादशा या अंतरदशा में। परिवार से व्यक्ति की अच्छी बनेगी केतु की महादशा अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। शत्रुओं पर व्यक्ति विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, छोटी मोटी बीमारी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाती। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो लंबी बीमारियों से भी व्यक्ति को कोई कुछ दिक्कत नहीं होती। जो भी व्यक्ति चिंतन करता है वो एक पॉजिटिव चिंतन करता है केतु की महादशा या अंतरदशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। नौकरी करता है व्यक्ति तो बिल्कुल सफल होता है, व्यवसाय करता है तो सफल होता है, व्यवसाय सेटल करना चाहता है या नौकरी लगना चाहता है तो बिल्कुल उसे सफलता ज़रूर मिलती है केतु की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों, जब केतु दूसरे घर में आठ नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देंगे। केतु की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित कर पाएगा, परिवार से व्यक्ति की बनेगी, वाणी व्यक्ति की प्रभावशाली रहेगी। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से दोस्तों, जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति यदि नौकरी करना चाहता है, व्यवसाय सेटल करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से सेटल कर पाता है, नौकरी आसानी से लग पाता है, या फिर नौकरी या व्यवसाय करता है तो वहाँ पर भी उसे बिल्कुल सफलता मिलती चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, जब केतु दूसरे घर में नौ नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर केतु उच्च के माने जाते हैं और यहाँ पर यदि केतु उच्च के हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। केतु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति परिवार से व्यक्ति की अच्छी बनती है, धन व्यक्ति प्रॉपर अर्जित कर पाता है केतु की महादशा या अंतरदशा में, वाणी व्यक्ति की बहुत प्रभावशाली हो जाती है। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति शत्रु पर विजय पाता हुआ, हर परेशानियों पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जो चिंतन होता है वो पॉजिटिव चिंतन होता है, पॉजिटिव थॉट व्यक्ति को आते हैं केतु की महादशा या अंतरदशा में और वो उसके लिए लाभकारी होता है। लंबी बीमारी से यदि व्यक्ति जूझ रहा है तो केतु की महादशा अंतरदशा में उसे कुछ आराम जरूर मिलता है। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति नौकरी यदि सेटल करना चाहता है, व्यवसाय यदि सेटल करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से सेटल कर पाता है, या फिर नौकरी व्यवसाय करता है तो उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती और बहुत अच्छे से तरह से वो नौकरी और व्यवसाय को अंजाम दे पाता है। दोस्तों, जब केतु दूसरे घर में दस नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये शनि की राशि है, केतु की मित्र राशि है और यहाँ पर बहुत अच्छा फल केतु देंगे। अपनी महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित कर लेगा, परिवार से व्यक्ति की बनेगी, साथ ही साथ व्यक्ति की जो वाणी होगी वो भी प्रभावशाली हो जाएगी। जब केतु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, छोटी मोटी बीमारियों से भी यदि व्यक्ति को आती है तो बिल्कुल आसानी से व्यक्ति उनसे उभर जाता है। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं और बिल्कुल भी उसे दिक्कतें परेशानी नहीं आती केतु की महादशा या अंतरदशा में आठवें घर से रिलेटेड। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति व्यवसाय सेटल करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से सेटल कर पाता है, नौकरी यदि लगना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से नौकरी व्यक्ति लग जाता है। नौकरी और व्यवसाय के लिए यह समय केतु की महादशा या अंतरदशा का समय व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह दोस्तों, जब केतु दूसरे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो वैसा ही फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे जैसा 10 नंबर या मकर राशि के साथ होंगे तो देंगे। व्यक्ति की वाणी बिल्कुल प्रभावशाली हो जाएगी,
व्यक्ति धन प्रॉपर अर्जित कर पाएगा, कुटुंब परिवार से व्यक्ति की अच्छी बनेगी। साथ ही साथ जब केतु अपनी दृष्टि छठे घर में डालेंगे तो जो व्यक्ति है वो शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। जो भी परेशानी उसे आ रही है, जो भी छोटे मोटी रोग यदि उसे होते भी है तो उसे चिंता घबराने की जरूरत नहीं होती, आसानी से वो उन्हें जीत लेता है। दोस्तों जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति को जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं और कुछ भी व्यक्ति को परेशानी नहीं आती आठवें घर से रिलेटेड। जब व्यक्ति अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो माफ़ कीजिएगा, केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति यदि नौकरी करता है, यदि व्यवसाय करता है तो बिल्कुल आसानी से उसे सेटल कर पाता है। यदि व्यवसाय करता है तो बहुत अच्छा व्यवसाय चलेगा, नौकरी करता है तो बहुत अच्छी तरह से नौकरी चलेगी, तो कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर व्यक्ति को नहीं होती केतु की महादशा अंतर्दशा में, जब केतु 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ हो। दोस्तों जब केतु दूसरे घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते तो यहाँ पर बुरा फल देंगे। केतु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाएगा, परिवार से व्यक्ति की नहीं बनेगी, वाणी व्यक्ति की या तो उग्र हो जाएगी या उतनी प्रभावशाली वाणी नहीं रह जाएगी। जब केतु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं से परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा भय व्यक्ति को सताता रहता है, छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को सताती रहती है केतु की महादशा या अंतर्दशा में। जब केतु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव, माफ कीजिएगा, नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स व्यक्ति के दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चिंताएं व्यक्ति को चलती रहती है और चिंताओं से व्यक्ति उभर नहीं पाता केतु की महादशा अंतर्दशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। यदि व्यक्ति नौकरी करता है, व्यवसाय करता है तो वहाँ से उसे प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, और नौकरी और व्यवसाय भी सेटल करना चाहता है तो वहाँ पर भी उसे प्रॉब्लम आती है। तो मेरी सलाह यह है कि केतु की महादशा अंतर्दशा में व्यवसाय तो बिल्कुल भी सेटल ना करें, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी जरूर करें क्योंकि पैसा हो सकता है आपका फंस जाए। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि केतु दूसरे घर में 1 से लेकर 12 नंबर या मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। दोस्तों इसी तरह एक बात और मैं आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी लेसन होते हैं। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।